भोपाल शहर के नौजवान सड़कों पर खासतौर पर वीआईपी रोड पर गाड़ियां न दौड़ाएं। आरिफ मसूद और आए दिन होते हैं वीआईपी रोड पर हादसे। शहर का व्यस्तम रोड और उस पर स्टंट करते रहे नौजवान। कई नौजवान इस रोड पर घायल भी होते हैं तो कई गंभीर घायल और कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। शासन प्रशासन के द्वारा सख्ती के बावजूद भी ये हादसे नहीं थम रहे हैं। एक बहुत अफसोसनाक पहलू पर शहर के नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं। बहुत कीमती सरमाया है हमारे नौजवान। ये बच्चे जो हैं बहुत कीमती हैं, इनकी अहमियत है। ये मिल्लत का वो सरमाया है जो घर का मुस्तकबिल भी और मुल्क का मुस्तकबिल भी और शहर का मुस्तकबिल भी इन्हीं के कंधों पे उम्मीद लगाए बैठा है। और ऐसे हालात में ये बच्चे जरा जरा सी नादानियां कर एक के बाद एक कुर्बान होते जा रहे हैं, जो एक अफसोस हो रहा है। कल एक बच्चा रिजवान वीआईपी रोड पे स्टंट के अंदर कल चला गया, मैं आज उसके घर होकर आया। बेपनाह तकलीफ थी। बच्चा बकरा ईद पे मुझसे मिलने आया था, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बच्चा था। आज भी उसकी शक्ल आंखों में गूंज रही। जब मेरा ये हाल है, उसके दोस्तों का मोहल्ले वालों का ये हाल है, तो घर वालों का क्या होगा। मैं भोपाल शहर के नौजवान बच्चों से दरख्वास्त करूंगा, मेहरबानी करके फजर के बाद घर में तिलावत करें या कारोबार करें या आराम करें, लेकिन स्टैंड बंद कर दें वीआईपी पे जाए, क्योंकि एक के बाद एक कई साल से मैं अपने ऐसे नौजवान साथियों को खोता हुआ देख रहा हूं। इससे पहले नासिर अरब अंसारी हमारे एक दोस्त थे, उनका बेटा शहीद हुआ। हमारे एक और दोस्त थे अनवर मियां, उनका बच्चा शहीद हुआ। एक मिलने वाले कोई फिजा के थे, उनके बच्चे शहीद हुए। ना जाने कितने बच्चे वहां से अपनी जाने गंवा चुके हैं। मेहरबानी करके नौजवानों मेरी बात को समझो, अपने घर का दर्द समझो, अपनी मिल्लत का दर्द समझो। तुम्हें ये जिम्मेदारियां आगे बहुत सारी, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, बहुत काम अल्लाह को तुमसे लेना है। इस तरह से अपनी जानों को जाया ना करो और ये बाइक भगाना बंद करो।